नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम।
श्री गुरु चरण सरोज हृदय निज मन मुकुर सुधार वरन रघुबर विमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरन रघुबर विमल जस जो दायक फल चार मंगल भवन अमंगल Thank you.
पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। परम पूज्य बापू के चरणों में वंदन कर मैं दो चार मिनट के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। वैसे तो ये कथा सीताराम परिवार की ओर से सीताराम परिवार के लिए और सीताराम परिवार की ही कथा है, इसलिए आपस में एक दूसरों का आभार मानने का वैसे प्रश्न नहीं आता। फिर भी एक औपचारिकता का भाग इसमें है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इस कार्यक्रम के नियोजन में कई व्यक्तियों ने, कई संस्थाओं ने तन मन धन जो भी उनसे जुटा देकर इसे यशस्वी बनाने में मदद की है, उन सभी का मैं मन से आभारी हूँ। विशेषकर हमारे इस विभाग के पालक मंत्री श्रीमान विलासराव जी देशमुख, इन्होंने बहुत बड़ा सहकार्य किया है। इतनी बड़ी जगह इस परिसर में किल्लारी शुगर फैक्ट्री की ओर से हमें दी गई, किल्लारी शुगर फैक्ट्री के सभी संचालकों का, वहाँ के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, कामगारों का मैं हृदय से आभारी हूँ। जिला परिषद के अध्यक्ष श्री दिलीपराव देशमुख, उनके सभी सहकारी, सभी सदस्य, आरोग्य, बांधकाम, जल विभाग के, विशेष करके इन सभी का मैं मन से आभारी हूँ। यहाँ पर काम करने वाली कई संस्थाएँ हैं, कई समितियां हैं, उप समितियां हैं, उसके प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, स्वयंसेवक हैं, सेवाभावी लोग हैं, ये सब हमारे सीताराम परिवार के लोग हैं। हम आपस में एक दूसरे का आभार नहीं मानना चाहते, हम इस रूम में आपस में बंधे रहना चाहते हैं जीवन भर के लिए। हम सब काम करने वाले, छोटे से बड़े लेकर, आपस में इस रूम में जीवन भर के लिए बंधे रहना चाहते हैं। और बापू से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हम इस रूम में सदैव बने रहने का वो हमें आशीर्वाद दे। पूज्य बापू, भूकंप के बाद आप तुरंत यहाँ पर आए, अन्न क्षेत्र देखा, आपने राजस्थान से हमें हुक्म दिया था कि अपने काम छोड़कर यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलाइए, और आपने दिए हुए हुक्म का यहाँ पालन होता हुआ देखकर आपने हमारी सराहना की, हमारा गौरव किया और यहाँ पर कथा की घोषणा की, कथा देने की। हम अत्यंत हृदय से आपके आभारी हैं। यहाँ पर लोगों के जो मन टूट कर बिखर गए थे, वो तू आदेश दिया है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं आपका मन से आभारी हूं। किल्लारी के सरपंच और उप सरपंच ये बापू से कुछ भेंट देना चाहते हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो भेंट दें। श्रीमान दुबे काका का विशेषकर बापू के हाथ से हम अभिनंदन कराना चाहते हैं, जिन्होंने पहली कथा लातूर में लाने में सहयोग दिया था। और श्रीमान ओम महाराज, श्रीमान ओम महाराज आप सामने आए, नांदेड़ के ओम महाराज, हम मन से आपका ऋण व्यक्त कर रहे हैं, बापू को विनंती करते हैं कि उन्हें आशीर्वाद दे। किल्लारी के उप सरपंच श्री प्रकाश पाटिल, वो बापू का सत्कार करेंगे, सरपंच डॉक्टर परसल जी उनके साथ हैं। कोटे के उप सरपंच भी ऊपर आए, वो बापू को कुछ निवेदन देना चाहते हैं। कोटे के सरपंच हैं। इस स्टेज की जिसने सजावट की है वो श्री उबाड़े, बापू के चरणों में कुछ भेंट अर्पण करना चाहते हैं। मैं उबाड़े से विनती करता हूं कि वो अपनी भेंट बापू को अर्पण करें। इन आभार मानने में अगर किसी का रह गया हो तो कृपया वो हमें क्षमा करें। विशेषकर बापू के साथ आए हुए सभी साधु संतों का और संगीतकारों का, जिन्होंने अत्यंत सुरेल संगीत यहाँ पर प्रदान किया, मैं उनका मन से आभारी हूँ।
देश विदेश से काफ़ी सीताराम परिवार के सदस्य यहाँ उपलब्ध हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। उनका भी मैं लातूर के सीताराम परिवार की ओर से आभारी हूँ। जय श्याम। देखत बन सर से Oh,
गुण ग्राम पुण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवि कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वर बोले वाल्मीकि भगवान की। इस कथा के लिए वाल्मीकि आश्रम का जो दर्शन चल रहा है उनमें इस कथा का कथा के लिए जो जितनी बातें ली गई हैं उसका शेष भाग कुछ समय में आपके सामने रखा जा रहा है। हम इन दिनों में देख चुके कि वाल्मीकि जी को भगवान ने स्थान दिखाया, भगवान को स्थान बता रहे हैं। पहला स्थान श्रवण, जिसके कान भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त न हो, अघाए न, उबे न, उनके हृदय में आप निवास करें। दूसरा, जिसके नेत्र संसार की रूपा शक्ति को छोड़कर आपके रूप बिंदु के लिए ललच जाए, इनके हृदय में आप निवास करो। तीसरा स्थान, जिसकी जीभ हंसिनी बन करके संसार में गुण दोष को विवेक से भिन्न करके और भगवान के गुणों का चारा चुनती रहे, मोती चुनती रहे, इसके हृदय में आप निवास करें। और चौथा स्थान, कल जो कहा गया बड़ा लंबा स्थान, कि घ्राणेन्द्रिय नासिका आपके प्रसाद की सुवास लेती रहे, आपको अर्पण करके जो भोजन करें, वस्त्र अलंकार आदि भगवान को निवेदित करके स्वीकार करें, अपना शीर अपना मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में झुकता रहे, उनको आदर देता रहे। जिनके हाथ दीनहीन उपेक्षित तिरस्कृत ऐसे लोगों की सेवा किया करें और हृदय में राम का दृढ़ भरोसा बना रहे और चरणों से जो राम तीर्थों की यात्रा करे, पावन स्थान पर जिसकी गति हो, हे राम जी आप उनके मन में निवास करो। ये चौथा स्थान जो कल संक्षेप में कहा गया। आज आगे का स्थान थोड़ा हम आपको बता करके इस कथा को विराम देने की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे के स्थान की चर्चा करते हुए वाल्मीकि जी ने भगवान राम भद्र को कहा, मंत्र राज नित जप पूजे ही तुम्हारा
गुरु विस्तार से बताया गया है, संक्षिप्त में सुने। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राघवेंद्र, हे प्रभु, आपके मंत्र राज का जो नित्य जप करे। रामचरितमानस में राम मंत्र के बारे में, राम मंत्र, महामंत्र, मंत्र राज आदि आदि शब्द, यानी मंत्र जाप आदि आदि शब्द का प्रयोग हुआ। शास्त्रीय दृष्टि से मंत्र राज का अर्थ है षडाक्षर मंत्र। भगवान राम का जो षडाक्षर मंत्र है वो मंत्र राज है शास्त्रीय दृष्टि से। लेकिन रामचरितमानस की दृष्टि से केवल राम ये दो अक्षर वो भी महामंत्र है, और महामंत्र का मतलब मंत्र राज श्रेष्ठ। महामंत्र जो जपत महेशु वो राम मंत्र है। राम मंत्र महामंत्र भी है, मंत्र राज भी है, इस अर्थ में उसको लेना। तो भगवान के महामंत्र का जो नित्य जाप किया करता है, देहात में रहने वाले भाई बहन आप सब, हमको कहां यज्ञ आता है कि रोज यज्ञ करें। श्रोताग्नि कितना कठिन है शास्त्रों में, स्मार्त अग्नि थोड़ा सरल है। जो अग्निहोत्री होते हैं, जो अग्नि की नित्य जिसको संबंध है वो जानते हैं। लेकिन देहात में बसे ये दीनहीन समाज, कहाँ मंत्र, कहाँ विधान, कहाँ अनुष्ठान, कहाँ दशांश, कहाँ जानते। इसके लिए गीता में एक यज्ञ का विधान आया है, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ प्रभु ने कहा मैं हूँ, मेरी विभूति। तो आप केवल राम शब्द लेकर, कृष्ण शब्द लेकर, हरि शब्द लेकर, अथवा तो राम जी का जो षडाक्षर मंत्र है उसको लेकर खेती करते करते, माताएं पानी भरते, कपड़े धोती, खेत में मजदूरी करती, और कैसे भी बैल चराते, गाय चराते, अपना कार्य करते करते जो मंत्र जप किया करेंगे वो भगवान के लिए रहने की जगह तैयार कर रहे हैं। तो एक कलयुग का बहुत सरल साधन, सुगम साधन है, मंत्र जप करो। अब षडाक्षर मंत्र लोगे तो फिर उसका अनुष्ठान ये सब करना पड़ेगा, और ये हमको आता नहीं। इसलिए मंत्र राज और महामंत्र के रूप में केवल राम मंत्र को ले लिया जाए तो सब छूट मिल जाती है।
बैठे बैठे सोए सोए, नहाए तो ठीक, न नहाए तो भी ठीक, चलते चलते आलस में कैसे भी तुम इसका जप कर सकते हो और फल मिलेगा मंत्र राज का, परिणाम होगा महामंत्र का। और आप इतना ही सोच लीजिए कि भगवान शंकर जैसी तो कोई कोई विभूति परमात्मा नहीं है, ये तो समर्थ है भगवान, कोई शास्त्र कुछ बाकी नहीं है, शिव साक्षात परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा होते हुए भी ये राम मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे लिए कितना बल मिल गया कि हम देहात में रहते हैं तो बस राम मंत्र का जप करते रहे। या तो जो तुम्हारा इष्ट देव, मेरा कोई आग्रह नहीं। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये लेकिन पानी सब में एक। तत्वतः सब एक है, राम को, कृष्ण को, शिव को, विठल को, गोपाल को, गोविंद को, दुर्गा को, शिव को, हर को, हरि को, जिसको भजो। लेकिन उनके मंत्र का नित्य जाप करता रहे। तो हम देहात में रहते, इनमें भी ये भूकंप आया, हम दीनहीन हो गए, हम क्या कर सकते, ऐसी दीनता को अब फेंक देना, मंत्र राज का जप करना। तुम तो बस जाओगे लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान भी बस जाएगा, तुम्हारा तो पुनर्वसन हो जाएगा, होना ही चाहिए, जितना हो शीघ्र होना चाहिए तुम्हारा पुनः निवास स्थान, जो इस विस्तार में हानिग्रस्त हुए हैं। लेकिन तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में भी निराशा आ गई है, एक उदासी छा गई है, एक शोक ने तुमको पकड़ा है, वहीं भी राम आ जाए, विवेक आ जाए, ज्ञान आ जाए, विश्वास आ जाए, समझ आ जाए, भरोसा आ जाए, सुख आ जाए, वो दोनों हो सकेगा। तुम थोड़ा नाम जपो, तुम महामंत्र का जप करो। और गोस्वामी जी ने दूसरी बात लिख दी, पूजे ही तुम ही सहित परिवारा। ए राम जी, जो आपके मंत्र का जप करें और आपको परिवार सहित पूजे, जब अकेले करो, पूजा परिवार के साथ करो। जब तो सबके साथ नहीं होता, कीर्तन सबके साथ होता है, जब सबके साथ ठीक नहीं, क्योंकि जब सबके साथ, जब में एकांत बहुत अच्छा है, जब में दो व्यक्ति बैठेंगे ना तो भी तकलीफ है, क्योंकि एक व्यक्ति इशारा करके दूसरे को पूछेगी कितनी माला हुई, इसमें गड़बड़ हो सकता है। जब एकांत में सिद्ध होता है, संकीर्तन समूह में होता है, जैसे हम क्या करते हैं, आप लोग करते हैं, भगवान की पूजा परिवार के संग, जब एकांगी करो और परिवार के संग, उसमें दोनों बात, भगवान की पूजा परिवार के सहित परिवारम, मानी भगवान को परिवार के सहित पूजो, भगवान राम का परिवार, लक्ष्मण, जानकी, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम। ये जो राम पंचायतन, जो राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप उनको, अथवा तो शिव पंचायतन, ये परिवार सहित उनको पूजो। अथवा तो दूसरा भाग, तुम भी तुम्हारे इष्ट जिसका मंत्र राज का आप जप करते हो, उस इष्ट देव का पूजन आप परिवार सहित करो। ये अरण्य कांड के पूर्वार्ध के और पौने भाग के अरण्य कांड के भक्तों का लक्षण बताया है यहां। निश दिन देव जपत हूं जय ही, जो रात दिन मुनियों जाप करते रहते मंत्र राज का, बड़े बड़े महात्मा लोग जपते रहते हैं, अगस्त आदि सब नाम में डूबे हैं, और परिवार सहित भजे सशक्ति सानुजम सची प्रति प्रियानुजम, परिवार सहित भजन होता है, इंद्र पत्नी के सहित भजता है और भगवान को भी शक्ति सहित उसकी पूजा की जा रही। तो पारिवारिक पूजा का यहां विधान अरण्य कांड के भक्तों का लक्षण बताया है। तो परिवार के सहित इष्ट की पूजा करो, अथवा तो मैं तो सब अर्थों को अपने ढंग से मेरी व्यास गादी ले रही कि परिवार के सदस्यों को भी प्रभु का रूप समझकर उसकी पूजा करो।
परिवार के सदस्य भी आखिर भगवान के रूप है। तो कई अर्थों में इसको, समय अभाव से इसका विस्तार नहीं कर पाऊंगा, परिवार को इस भाव से सबको, परिवार में तुमको कोई प्रतिकूलता देना तो समझना कि मुझे भक्ति दे, मुक्ति दी, मुझे आसक्ति से छोड़ दिया। जो प्रतिकूलता दे, शास्त्रों का सिद्धांत है प्रतिकूलता मुक्ति देती है, अनुकूलता भक्ति देती है। तो समाज में अनुकूलता मिले तो समझना मुझे भक्ति दी, प्रतिकूलता मिले तो समझना मुझे मुक्ति दी कि इस झंझट से मैं बचा। हमारे ग्रंथों में भागवत जी में भी आपने नाम सुना वृत्रासुर, एक चरित्र है वृत्रासुर का। उसका पूर्व जन्म जो ग्रंथों में आया है वो चित्रकेतु था, अंगिरा का कृपा पात्र था, अंगिरा ऋषि का कृपा पात्र था। मैं आपसे प्रार्थना करूं अपने जीवन में कोई एक महापुरुष के कृपा पात्र बनना। दैव कृपा तो है ही, तुम्हारी आत्म कृपा तुमको भूली गई है, तुम भूल गए हो, लेकिन आत्म कृपा भी है। कोई एक गुरु की कृपा, कोई एक ऋषि की कृपा हम पर हो, कृपा पात्र बने रहना। अंगिरा का कृपा पात्र था चित्रकेतु। एक बार अंगिरा को उसने प्रश्न किया कि भगवान मुझे पुत्र नहीं है, मेरी एक कामना है कि पुत्र हो जाए। अंगिरा जी ने कहा कि भाई तेरे घर पुत्र होगा तो फायदा नहीं होगा, तू शॉर्ट दृष्टि से देखता है, ऋषि बहुत लंबी दृष्टि से देखता है। भगवान अनुकूलता दे प्रतिकूलता दे उसको सदैव प्रसाद समझ लो, तुम्हारी बुद्धि को बीच में मत डालो कि हम ये चाहते थे और ये हो गया, ये बात ही छोड़ दो। जो हो रहा है उनकी कृपा है, उनका प्रसाद है, चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता। सत्संग करते करते ये भूमिका बनेगी। बहुत बार कहा, लेकिन वो स्वाभाविक भगत था, उसकी एक कामना थी। तो कहा कि ठीक है पुत्र होगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा तुझे। बोले नहीं, एक बार पुत्र हो। कृति द्युति उनकी कई पत्नियों में एक पत्नी कृति थी, उससे पुत्र पैदा हुआ। अंगिरा ने तपोबल से कोई एक जीव को वो कर दिया और राजा को खबर दी कि पुत्र जन्म हुआ। राजा बड़ा उत्सव मना रहा, बड़ा पुत्रोत्सव शुरू हुआ। और यहां जो बालक पैदा हुआ उसकी एक सौतेली मां थी, उसको अच्छा नहीं लगा, तो कहते उसने बालक को जहर दे दिया और बालक को मार दिया। और राजा उत्सव में, और कई इतना बड़ा भारी, कितने समय के बाद ये एक उम्मीद पूरी हुई थी, और जब वहां खबर मिला कि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा कष्ट हो। सुख था दुख में परिवर्तित हो गए। फिर नारद जी सब समझाते हैं, सब कथा कही कैसा हुआ, और फिर पत्नी को बुलाया जिसने ये जहर पिलाया। नारद जी ने बहुत समझाया उसको, अंगिरा की योजना समझाई, लेकिन राजा पहले शुरू शुरू में नहीं समझा। तो ये बालक के शब को देख करके चित्रकेतु को बहुत दुख हुआ। नारद जी ने कहा कि तू कहता हो तो जो जीव चला गया उसको मैं तेरे सामने बुला लूं, लेकिन वो तुझे बाप नहीं कहेगा, वो कहेगा कि मेरी जीवन जीवन की यात्रा में कई बाप हुए हैं, मैं कईयों का बाप हुआ हूं, तू कहां का मेरा बाप, हिसाब किताब पूरा हो गया, वो ऐसा कहेगा तुझे। तो जो तेरा नहीं है वो चला गया, और तेरा जो शरीर है वो पड़ा है, ले जा उसको, लगा गले, प्रगट सो तन तव आगे सोवा जीव नित्य, रामायण कहता है, कही लगी तुम रोवा। राजा को ज्ञान हो गया,
इस प्रतिकूलता में राजा को बोध हो जाता है, फिर वो दूसरे ढंग से बर्ताव करता है। नारद जी समझ गए उसके बर्ताव, उसने कहा कि रानी को बुलाओ, मुझे उसको दंड देना, उसको सजा दे, सजाए मौत जिसने बालक को जहर दे दिया। और रानी को जब कहा गया कि तुमको राजा बुलाते हैं, तो पता लग गया कि बस मुझे मार ही देंगे। और रानी जब आई तो उसको कहा कि तूने दो की हत्या की है, दो को जहर दिया है, इसलिए तुझको दो दंड मिलेगा। एक तो तूने बालक को जहर दे दिया, तो रानी ने कहा मैंने कोई दूसरी हत्या नहीं की, मैंने बालक को जहर दिया, रंगे हाथ पकड़ी गई, मैं मानती हूं मुझे जो दंड मिलना चाहे दो। नारद जी खड़े हैं, बहुत बिलक बिलक चरित्र है, लेकिन मैं उसका सार आपको बता रहा हूं। तो वो रानी तैयार हो गई कि मुझे दंड दो, लेकिन राजा ने आक्षेप किया कि तुमने दो को जहर दिया है। रानी कहती कि एक ही पुत्र आपको हुआ और मैंने कहा कि मैंने दिया, मैं गुनाहगार हूं, मुझे दंड दे दो, और दो कहां से आया? बोले राजा ने कहा नहीं, दो को ही दिया। तो रानी ने पूछा नारद जी को, कहा कि देवर्षि आप न्याय करो ना, मैं गुनाह कबूल करती हूं, लेकिन मैंने दो को मारा ही नहीं और दो मरे ही नहीं, एक दूसरे की हत्या मैंने कहां की, मैंने तो एक को जहर दिया, और राजा कहते हैं दो को जहर दिया। तो नारद जी ने कहा राजा कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो रानी सोचने लगी कि आप भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, समझाइए। तो नारद जी ने राजा को कहा तुम ही बताओ कि किन दोनों को जहर दिया। बोले एक तो मेरे बालक को जहर रानी ने दिया, उसका उसको दंड दूंगा, और दूसरा जहर जो उसने दिया उसके लिए मैं उनको इनाम दूंगा। ये रानी कहती कमाल है, क्या बात है। बोले पुत्र को जो दंड जहर दिया उसका तुझे दंड मिलेगा, और तूने एक दूसरे को जहर दिया, और किसको? बोले तूने मेरी ममता को जहर दे दिया, मेरी ममता को मार डाली तूने, इसका तुझे इनाम मिलेगा, क्योंकि मैं बंध जाता संसार में, तेरे तूने मेरी ममता को समाप्त कर दी, तो मेरी ममता की हत्या तुमने कर दी है, इसके लिए मैं तुमको इनाम दूंगा, भेंट दूंगा। तब नारद जी हंसे, नारद जी ने कहा तूने सत्संग किया वो आज काम में आया, आज तू समझ गया कहां तक तू ये पुत्र पुत्र करता रहेगा, ये अच्छा हुआ तेरी ममता मरी, अच्छा हुआ ये काम हुआ। तो जो परिस्थिति जीवन में आ जाए, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, उसको भगवान का प्रसाद समझो। और मैं कल भी परसों भी कह रहा था, धर्मम भजस्व सत्तम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाजय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कुछ समय हो जाए, कुछ उम्र हो जाए, फिर मंत्र राज का खूब जप करो, जप बढ़ाओ, और परिवार के सहित इष्ट की पूजा करो, परिवार सहित प्रभु की पूजा करो, सपरिवार राम पंचायतन की पूजा, और अपने परिवार से भी ये करना चाहिए। पहले के जमाने में तो क्या था, चौथी अवस्था जब व्यक्ति थी आती थी ना, तो बस वो जंगल में चला जाता था। आज जंगल में जाने की जरूरत नहीं, आज घर में बैठकर तुम वनवास निर्माण करो। एक उम्र हो जाए ना तब ये करना चाहिए सबको। बेटा जवान हो जाए, ब्याह हो जाए, उनके घर बेटा हो जाए, उनके बेटे का भी ब्याह हो जाए, इतना लंबा संसार चल जाए, फिर वडीलों को चाहिए कि बेटे को कहे कि बेटा अब कुछ समय हम तीर्थ में रहे, अथवा तो पेढ़ी दुकान न जाए, घर में रहे। और बेटा पूछे तो मेरी बात उसको कहना, बेटे को कहना कि तू पेढ़ी पर बैठ, मैं घर में बैठूं, तू जो कमाना वो मुझे भेजते रहना, और मैं जो कमाऊं वो तुझे भेजता रहना।
तू पेढ़ी पर जो कमा उससे भोजन मुझे भेजना, और मैं यहां बैठा बैठा जो भजन करूंगा उसका आशीर्वाद तुझे भेजता रहूंगा। जिंदगी धन्य होगी। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, मंत्र राज बढ़ाओ, जप बढ़ाओ। बेटा साधन तू भेजना, मेरे कपड़े तू भेजना, मेरा कमरा तू ठीक करवा देना, पर मेरी साधना मैं भेजूंगा तेरे लिए कि तेरी युवानी सलामत रहे, तेरी बुद्धि सलामत, समय ठीक हो। ये बात करनी हो करनी चाहिए। दुनिया में सबसे, मैं कल भी आपके सामने पाप पुण्य की चर्चा भगवान व्यास की बोली में कर रहा था कि दूसरों को पीड़ा देना वो भी पाप, लेकिन स्वयं व्यास जी ने एक और पाप लिखा है। ये सबसे बड़ा पाप क्या है? जनो जघन्य। व्यास कैचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य, कैचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, व्यासो वदन्ति वेद पुराण विघ्न नारायण नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। व्यास का ये वचन है कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि धनहीन आदमी पाप है, धन नहीं है तो कुछ नहीं, दुखी दुखी हो गया। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि गुण नहीं है तो पाप हो गया, पापी है, मारे मारे, न कोई गुण है न कोई शील है। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि मैं वेद शास्त्र जानने वाला हूं, मैं यही कहूंगा कि नारायण की विस्मृति ही सबसे बड़ा पाप है। भगवान का भजन चुक जाए तो मंत्र राज का परिवार के संग जप करो, समझौता करो, बस। दुकान चलानी है तो उसको दुकान चलाने दो, कहो कि दुकान से हमको भेजना। भजन करना हो उसको भजन करने दो तो उसको कहना भजन से हमको भेजना। तो हिल मिलकर सब चलेगा, साधन भी, साधना भी, भोजन भी, भजन भी। तोड़फोड़ की बात भूल ही जाओ, इससे कुछ बनने वाला नहीं। तो परिवार के संग जो तुम्हारी पूजा करे, और फिर तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तर्पण करे। मध्यान्ह, वैसे तो कर्मकांड के अनुसार, वैसे कर्मकांड में भी बहुत भेद आते हैं, लेकिन मध्यान्ह का स्नान करके तर्पण किया जाता था। तर्पण तीन का होता है, ऋषि का, देव का, पितृ का। पितृ तर्पण श्रद्धा से मंत्रों के द्वारा पितृ का तर्पण किया जाए, ऋषियों का तर्पण किया जाए, देवताओं का तर्पण किया जाए। तो जो तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, खूब दान दे, बहुदान, खूब दान दे, ये पूरा शास्त्रीय क्रम। प्रास के लिए शब्द इधर उधर कर दिए गए, बाकी पूरा क्रम शास्त्रीय क्रम। पहले क्या कहा कि मंत्र जप करो, अब मंत्र जप तुम अनुष्ठान पूर्वक मंत्र राज का यदि करें तो षडाक्षर का करें तो फिर अनुष्ठान हो गया। अनुष्ठान का दसवां भाग होम करना होता है, ये शास्त्र नियम कि तुम अनुष्ठान पूर्वक जो जप करो उनका दसवां हिस्सा होम करो, और दसवां हिस्सा जितना होम करो उसका दसवां हिस्सा तर्पण करो, ये नियम है। और जिसका तर्प जितना तर्पण करो उससे उसके दसवें हिस्से के ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये पूरा क्रम है शास्त्र का, ये पूरी नियमावली है हमारे ग्रंथों। तुमने 100 माला का जप किया तो 10 माला का होम, 10 माला का होम किया तो फिर 1 माला का तर्पण, ये दशांश 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 ऐसे चलता है। फिर कोई जितनी माला की इतने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना, हाँ इतने का करा सको तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी 10वें ब्राह्मण को भोजन दशांश ऐसा कराना। तो जो तर्पण करे, और हम सब ने मिलकर के ये कथा इस भूमि से चले गए सभी दिवंगत
आत्माओं के स्मरण में रखी है तर्पण करने के लिए। उनकी स्मृति में एक कथा रखी गई, तो तर्पण करें, होम करें, ब्राह्मण को भोजन कराए। यहां तर्पण तो तर्पण के लिए तो कथा ही है, यहां सब हो रहा है। देखो मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, रोज हम विठल विठल जप करते हैं, सब कीर्तन करते हैं, हाँ तो मंत्र राज हो गया। और तुम लोग परिवार सहित कथा में हो, भगवान की परिवार सहित, और यहां स्थापना भी परिवार सहित सबकी है, राम पंचायतन की स्थापना है, तो परिवार का पूजन, और जितने परिवार के गए और उनके सभी परिवार के सदस्य सुन रहे, ये सभी सूत्र लागू हो रहा है। और फिर तर्पण के लिए हम सब एकत्रित है, तर्पण कर रहे। और ये ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, जब कथा होती है तो उसको लोगों ने ज्ञान यज्ञ कहा, तो ये यज्ञ हो ही रहा है, ये यज्ञ है। और ब्राह्मण भोजन कर रहे, ब्राह्मण किसको कहो, द्विज को। आप कहेंगे वहां भोजन कर सब ब्राह्मण, ब्राह्मण ही है समझो, जिसका दूसरा जन्म हो जाए सब ब्राह्मण। तुम तो मार खा गए थे, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है, तुम नए पैदा हो, नवसर्जन हो गए। तुम हार गए थे, मेरे पास कई चिट्ठियां दो दिन से आ रही है कि बापू हमारा भूकंप का झटका चला गया, हम भूल गए, हम स्थिर हो गए। एक व्यक्ति ने तो कल मैं भूल गया, एक व्यक्ति ने तो ऐसा लिखा, कोई देहाती व्यक्ति ने, उसे मराठी में भी लिखा और फिर थोड़ा देहाती हिंदी में उसका उसने वो भी लिख दिया। उसने ऐसा लिख दिया जो मुझे गुजरात में एक महिला ने कहा था, जब गुजरात में बाढ़ आई तब मैं इस ग्रस्त विस्तार में घुमा दो तीन दिन, तब एक महिला ने मुझे ऐसी ही बात, एक भाई ने मुझे लिखी है कि बापू ऐसे तो हम ये नहीं कहते कि ये भूकंप अच्छा हुआ, लेकिन आज हम कहते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, वरना हमको सत्संग कहाँ मिलता। तुम हो गए द्विज, तुम हो गए ब्राह्मण, और इतने ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, 70, 75, 65, 60 दिन दिन बढ़ते जा रहे। कल मुझे वो मुख्य रसोड़ा संभालने वाला वडील कह रहा था कि 75, 70, 75 हजार लोग भोजन कर, नया जीवन है ये। मुझे यहाँ सीताराम परिवार ने जब रसोड़ा खोला भूकंप के इन दिनों में तुरंत, तो मुझे एक टेलीफोन पर सूचना मिली कि बापू हम भोजन बनाते हैं लेकिन कोई भोजन करने आते नहीं, कि कैसे खाए हम, किसी के घर के 10-12 चले गए, वो कैसे रोटी। आज वो सभी आदर के साथ प्रसाद, इसका मतलब ये है कि मरकर अब एक नया जीवन शुरू हुआ है, एक एक पुनर्जन्म, एक पुनर्जीवन हुआ है, कि हमारे स्वजनों की याद में जो ठाकुर को भोग लगाया गया उनका प्रसाद सब भाव से ले रहे हैं, इतने ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, एक नया जीवन शुरू हुआ है। तो विप्र जीवाई ब्राह्मणों का भोजन हुआ, और इतने वेद पाठी, भागवत पाठी, वाल्मीकि रामायण पाठी, मानस के पाठी, हमारे आचार्य श्री जो पूजा करा रहे, और ये सब भी भोजन पाते हैं कथा के, तो ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है। और जो नया जीवन पा गए वो भी मेरी समझ में, नया जन्म, दूसरा जन्म नहीं दूसरा जीवन हो गया, तो ये भी ब्राह्मणत्व है। देह बहु दाना, जो बहुत दान दे, खूब दान दे। क्या यहाँ तुलसीदास जी ने कोई पक्ष लिया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान दे, खूब दान दे, 5 रुपया नहीं 50 रुपया दे, 50 नहीं 500 दे 500 नहीं 5000 दे, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बहुदाना का अर्थ है यहां दान भी बहुत दिया गया। किसी ने अपने शरीर की सेवा का दान, किसी ने अपने पूरी धन संपदा की सेवा का दान, किसी ने अपने मन के संकल्पों का दान, किसी ने दूर दूर जाकर भाइयों को खबर कर दी ऐसा दान, किसी ने किसी को यहाँ ले आए किसी को छोड़ आए उसका दान, कितनी संस्थाएं, कितने वडील, कितने बूढ़े बुजुर्ग, कितने व्यापारी, कितने युवक, कितने संस्था के भाई बहन, किसका नाम लूँ, गांव के, इस गांव के मुख्य व्यक्ति से लेकर मैं जहाँ ठहरा उस गांव के मुख्य, और पूरे इस विस्तार के सभी लोग, सभी भाई बहन, प्रशासन, जिला प्रशासन, सब जो जो हर क्षेत्र के लोग इसमें दान कर रहे हैं, बहुदान हुआ। इतने लोगों का सहयोग नहीं होता, सहकार का दान नहीं होता,
तो यज्ञ कैसे सफल होता, कितने लोगों का इसमें दान मिला है? तो दे ही बहु दाना। और सबसे बड़ा दान कौन, कि किसी को इतना आदर देना जो अपने हैं, उनको आदर देते समय ये भाव उठे कि तुम तो मेरे प्रभु से भी ऊंचे हो, ये महादान है। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जाने, क्या कहा वाल्मीकि ने, हे राम जी आपसे भी अपने गुरु को जो अधिक माने, सदगुरु ईश्वर से भी ऊंचा है, ऐसा जो दृढ़ माने और सकल भाव से, कभी भाव कभी नहीं, थोड़ा भाव फिर नहीं, इधर का भाव उधर का भाव नहीं, सकल भाव पूरा पूरा भाई से पूरे पूरे भाव से सम्मान करें, ये सबसे बड़ा दान है। ईश्वर से भी जब अधिक मानो, शास्त्र में स्पष्ट निर्णय है कि भगवान विष्णु की नारायण की आप सेवा कर रहे हैं मंदिर में, विष्णु मंदिर में, और चंदन तुमने चढ़ा दिया, अब तुलसी चढ़ाना है, उसी समय तुम्हारा गुरु आ गया, तो तुलसी अब ठाकुर जी को मत चढ़ाओ, अब गुरु को चढ़ाओ, ये शास्त्र सिद्धांत। और कागभूषुंडी जी की कथा में, मैंने उज्जैन की कथा में इस सूत्र का प्रतिपादन कर दिया है। ऐसे पुराण में भी एक कथा आती है, इंद्रद्युम्न अगस्त जी का शिष्य था, इंद्रद्युम्न मंदिर में बैठा बैठा जप कर रहा और महर्षि कुंभज आए, तो काकभूषुंडी जी जैसा उसने किया, खड़ा नहीं स्तब्ध बैठा रहा, और जल्दी उठ न पाए, वो हाथी है, इसलिए अगस्त ने श्राप दिया, तू हाथी हो जा, तू हस्ती हो जा, तू स्तब्ध है, जड़ता तुझ में, तू हाथी हो जा, इस श्राप उनको मिला है। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जा, जो अपने गुरु को ईश्वर से भी अधिक समझे। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि उसको ईश्वर से अधिक मान मिले, लेकिन शिष्य के लिए तो ये जरूर होता है कि गुरु सदगुरु उसको इतना बड़ा दान दिया जाए। क्या सदगुरु को तुम रुपयों का दान दोगा, दोगे क्या, करेगा वो रुपये से उठकर चला जाएगा, क्या करेगा रुपये से। दान है ईश्वर से भी अधिक निष्ठा सदगुरु में, ये दान है। सकल भाव से सेवन, सकल भाव से सम्मान, तो दान भी कई प्रकार के, कई भाई बहनों ने, सभी ने, आप सबने, किसी ने अपना समय का दान दिया है, तुमने अपना दो दो कान का दान दिया है व्यासपीठ को, कि दो दो कान देकर बैठे चार चार पांच पांच घंटे नौ दिन से, तुम कान न देते तो हम क्या करते, सब दान है। तुमने कितनी शांति रखी है, कितनी शिस्त रखी है, कितनी एकता। मैं दुनिया को हर जगह कथाओं में कहता हूं कि ट्रकों में भर भर कर लाने वाले लोगों, रैलियां और भीड़ एकत्रित करने वाले लोगों, रामायण की यह स्वयं भीड़ देखिए, न किसी को कहना पड़ता है कि बैठो, न किसी को, बस कथा शुरू हो जाती है। और अभी ठीक कहा डॉक्टर बोल रहे थे ना, ठीक कहा कि मैं भी समझ रहा हूँ कि कितनी देहाती माताएं हिंदी नहीं समझती है और मराठी मैं नहीं बोल सकता, फिर भी शांति से बैठी, और अभी इनमें भी कितना, वो तो मैं बहुत सरलता से बोलने की मेरी सदैव चेष्टा रही, लेकिन कितने कठिन सिद्धांत थे वाल्मीकि के, लेकिन शांत सुन रहे। इन लोगों ने कम दान नहीं किया, इन लोगों ने व्यास गाधी को बहुत आदर दे दिया, अधिक सम्मान दिया, बहुत दान दिया, सकल भाव से सम्मान कर लिया है व्यास गाधी का। और वाल्मीकि जी अंत में कहते हैं, सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। सब कर्मों का फल शास्त्रों में क्या है, सब कर्म करो, लेकिन उसका फल तो शास्त्र ने यह बताया कि ऐसे कर्म करते करते तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और तुम मुक्ति प्राप्त करो। फल तो मुक्ति है, कर्म खूब करो, भक्ति में कोई भी प्रकार की भक्ति करो, पूजन अर्चन कीर्तन, लेकिन फल एक है कि हमको गोविंद के चरण में रति प्राप्त हो, हमको कृष्ण चरण में प्रीत प्राप्त हो। तो सब करी मांग ही,
सब करके, ये जो जितनी जितनी बातें बताई ये सब करते करते मांगे क्या, एक ही कि राम के चरण में हमारी जन्म जन्म प्रीत हो। सब करी मांगी एक फल राम चरण रती, तिनके मन मंदिर बस सिय रघुनंदो, सिय रघुनंदो, सिय रघुनंदन। सब करे लेकिन एक ही फल मांगे कि मुझे मेरे प्रभु के चरण में रति हो, भक्ति हो, भगवान उनके मन मंदिर में आप निवास करो। नारद जी ने भजन किया भगवान को लेकिन मांगा रूप, तुलसी कहे नारद हार गया। भजन तो किया, भक्ति की स्तुति की खूब किया लेकिन मांगा विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए रूप, अपना रूप दे दो। तो वहां चुक गए नारद जी, सब करे लेकिन मांगे एक फल, और वो भी फल कृष्ण चरण में प्रीत। तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मण को खिलाए, जप करे, पंचायतन का पूजन करे और गुरु को अधिक समझे, ये सब करे और सब सब भाव से सम्मान करे, करते करते केवल एक ही चाह, मेरी मेरे प्रभु में निष्ठा बढ़े। मैं तो इतना ही समझता हूँ, जिसके हरि में और सद्गुरु में निष्ठा वो पैसा वाला, और करोड़ों रुपया तुम्हारे पास हो लेकिन तुम्हारे पास निष्ठा नहीं तो तुम्हारे जैसा कंगाल कोई नहीं। अध्यात्म दरिद्रता है ये, संपदा तो ये निष्ठा कि हम कुछ नहीं चाहिए, राम चरण के मैं हमारी रति हूं, जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में उद्धव को कहा कि मैं कोई बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं, ऐसा एक गुप्त रहस्य मैं तुझको बताने जा रहा हूं, कोई नहीं जानता सिवा मेरे, न मैं योग से बंधता हूं, न स्वाध्याय से बंधता हूं, न तप से बंधता हूं, किससे उद्धव, मैं केवल भक्ति से बंध जाता हूं, मेरे चरण में जो प्रीत करे इससे मैं पकड़ में आ जाता। तो तुम चाहो, तुम्हारी निष्ठा जो बढ़ जाए तो तुम भगवान को पकड़ सकते हो। भगवान वेद में घोषणा है, भगवती श्रुति कहती है अयम मैं हस्तौ भगवान, अयम मैं भगवतरह, ये मेरे हाथ भगवान है, ये हाथ की दो 10 अंगुलियां दशा अवतार है, अयम मैं हस्तौ भगवान, मेरे हाथ परमात्मा, ये भगवती श्रुति की घोषणा है। ये भगवान से भी श्रेष्ठ है मेरे हाथ, क्योंकि भगवान को भी निर्गुण से सगुण कर देता है ये मेरा हाथ, इसलिए भगवान से भी आगे है मेरा हाथ। विश्व की समस्त बीमारियों का ये मेरा हाथ एक औषध है, ये भगवती श्रुति का वाक्य है। निष्ठा मजबूती, तो सब करते हुए जो केवल राम चरण में प्रीत चाहते हैं, इनके मन मंदिर में यहां दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो आप उसका ये ले सकते हैं कि सिय रघुनंदन दो, यहां लक्ष्मण जी को उड़ा दिया, इनके मन मंदिर में सिय रघुनंदन दो, सीता और राम आप दोनों बस हो, वहां आप दोनों। पर मंदिर होता है तो वहां लक्ष्मण जी भी होते हैं, लेकिन यहां लक्ष्मण जी को हटा दिया गया, लक्ष्मण जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक से अर्थ करो तो लक्ष्मण जी संग संग ही है। सिय रघुनंदन दो, सीता जी और रघुनंदन दो, दोनों रघुनंदन है, राम भी रघुनंदन है, लक्ष्मण जी भी रघुनंदन, जो दो रघुनंदन और मैथिली, ये तीनों आप उनके मन मंदिर में रहो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः, इनके मन मंदिर में अब निवास करो। अथवा तो ये भवन नहीं है, ये मंदिर है, कुछ भवन है, कुछ गृह है,
निकेत है, बहुत भिन्न भिन्न शब्द का जानबूझकर और सहेतु प्रयोग किया गया या मंदिर है। पूरा भवन में मंदिर का एक भाग विलग होता है, जैसे तुम मकान बनाते हो तो मंदिर के लिए एक जगह रखते हो। तो यहां एक अर्थ यह है कि एक विलग जगह जहां सीताराम जी अकेले बैठते हैं, क्योंकि भवन में तो भाई हैं, सेवक हैं, आदि आदि सब, लेकिन एक ऐसा ऐसा कमरा कि जहां सीताराम जी, तो महाराज ऐसा जो करे, तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मण को जिवाए, दान करे, मंत्र का जप करे, वो उनका मन तो तुम्हारा मंदिर है प्रभु। वहां तो आपको गुप्त में गुप्त बात भी कर सकते हैं बैठ करके, वहां तो तुम अकेले बिल्कुल, तीसरा कोई है ही नहीं। तुम वहां विहार कर सकते हो, तुम वहां वार्तालाप कर सकते हो, कोई खानगी चर्चा करती हो तो बिल्कुल एकांत है वो तुम्हारा। ऐसे भक्त का मन तुम्हारे लिए बिल्कुल गोप्य स्थान है, आप वही निवास करो। तो ये पांचवा स्थान बताया मैं संक्षेप में, आपको कह दिया, वो बड़ा विस्तार करना है, मैं फिर अगली कथा में थोड़ा विस्तार करके उसको आगे ले चलूंगा। वाल्मीकि का आश्रम किलारी में आया, फिर यहां से किलारी अब कलकत्ता जाएगी, तब ये प्रसंग, अब कलकत्ते में किलारी पहुंचेगी। वाल्मीकि का आश्रम किलारी में आया और अब किलारी जाएगी कलकत्ता, तभी ये प्रसंग पूरा होगा। तो मेरे भाई बहन, मुझे आपको इतना ही कहना है कि आपको स्थान, मुझे खबर नहीं, मैंने बहुत जाना भी नहीं है, तो कैसे बातें सुनी है कि पुनर्वसवाट के लिए इतना विलंब क्यों रहा है प्रशासन, या तो कुछ निर्णय होने में क्या देर है, खबर नहीं कि किस विस्तार में सबके लिए आवास की व्यवस्था की जाए। उसके लिए कार्य तो शुरू होगा ही, होता ही होगा, लेकिन फिर भी वो तो होगा आपके निवास का। लेकिन मेरा कार्य तो था कि आपका निवास हो जाए, लेकिन आप में भी एक विश्वास का और एक भरोसे रूपी राम का निवास हो जाए, ताकि तुम निराश न रहो, ताकि तुम दीनहीन न रहो, तुम्हारे हृदय में श्री रघुनंदन दो विराजमान हो, सुख और शांति दोनों इस विस्तार के जो असरग्रस्त हो गए हैं इनके हृदय में निवास हो जाए। मुझे किलारी की बहुत सी माताओं ने साइन करके एक पत्र दिया है, कितनी ही माताओं के, केवल माताओं के नाम है, सत्यभामा, कलावती, देवाबाई, शांताबाई, जयश्रीबाई, ध्रुपाबाई, रुक्माबाई, सुरेखा, नागबाई, मथुराबाई, सहसाबाई, लक्ष्मी, वत्सलाबाई, जानका, मथुरा आदि आदि, कितनी लंबा लिस्ट है। वो सबने एक मांग की है बापू, भगवान के आशीर्वाद से हमको आपकी राम कथा सुनने का सुअवसर आया है। हम प्रेम से सुन रहे हैं आपको, हम किलारी की महिलाओं की तरफ से यह विनती करते हैं कि किलारी में एक राम सीता लक्ष्मण का मंदिर हो। गिर गया है, मूर्तियां है, जहां है वहां स्थापित है, ऐसे ही राम सीता, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हमको मानसिक बल मिलेगा, पुनर्वसन जब होगा होगा, ऐसा उसने कोई विनती के रूप में एक पत्र लिखा। मंदिर तो बनने चाहिए, जहां ना हो, जहां गिर गया हो, होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में सबसे पहले तो जरूरत है कि आपका निवास बन जाए, आपके रहने का ठिकाना हो जाए, और इसके लिए सब कार्यरत
कार्य चल रहा होगा, लेकिन जब आपने मांग की है तो मैंने सरपंच श्री को अभी पूछा कि एक चिट्ठी में मुझे ये भी बात मिली कि जिस जगह कथा हो रही है इस कथा पर राम मंदिर हो। तो मैंने सरपंच श्री को पूछा कि ये किसकी जगह, बोले ये इस फैक्ट्री की है। हमने कहा कि यदि ये जगह मिल सकती है कोई भी राजनीति के बिना, कोई भी खटपट के बिना, हम कोई राजनीति में कि कोई पक्षापक्षी में जाना नहीं चाहते, हमारे पास व्यास गादी है, यदि ये स्थान मिल सकता है तो भगवान कृपा करे तो हो सकता है कि यहाँ, लेकिन मंदिर केवल न बने, क्योंकि जरूरत ज्यादा है तुमको मकान मिले, और मैं उसके पक्ष में हूँ कि पहले तुमको, और वो व्यवस्था चलती रहेगी, होती होगी और जल्दी होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना भी। लेकिन यदि आपकी मांग है कि मंदिर नहीं है और ये जगह यदि आसानी से मिलती है, कोई जात का किसी को उद्वेग न हो, किसी को कष्ट न हो, तो हम जरूर एक प्रस्ताव रखेंगे कि राम जी का सुंदर मंदिर हो, लेकिन साथ साथ जो बने, यदि बने तो इसके बगल में एक रोज प्रभु प्रसाद चले, ऐसे इतने दिनों से चल रहा है कि कोई भी किलारी में आए जो आदर के साथ प्रभु प्रसाद ग्रहण करे, उसके साथ साथ किलारी में छोटी बड़ी बीमारियां या वो, तो उनके लिए एक प्राथमिक औषधि केंद्र भी बन जाए कि उसको औषधि मिले, आरोग्य मिले, आहार मिले। और तीसरा, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि यदि ये भगवान ने चाहा और ये जिस ढंग से मैं कह रहा हूं इस ढंग से सब हुआ तो एक तीसरी बात भी वहां होनी चाहिए कि वाल्मीकि के आश्रम की हम कथा कर रहे हैं तो वहां थोड़ा संस्कृत का अध्ययन ऐसे पंडित लोग को एक दो को नियुक्त करके वहां जो छोटे छोटे बालक माता पिता के बिना हो गए हो, अनाथ हो गए हो, तो ऐसे लव कुशों को वहां पढ़ाया जा सके, उसको ज्ञान दिया जा सके, केवल मंदिर नहीं। और फिर मैं तीसरी बार कहूं कि मंदिर से भी ज्यादा जरूरत है कि तुमको पहले आवास मिले। लेकिन यदि आपकी मांग है और आप चाहते हैं, और अभी मुझे सरपंच श्री ने कहा कि बापू हम तो इसमें कोई सवाल ही नहीं की, हो जाएगा, तो यदि सरलता से, राजी खुशी से, सर्वसम्मति से यदि ये जगह में से जो जो मिले, तो विश्व भर में रहा मेरा सीताराम परिवार। मेरे एक बोल पर चुटकी बजाते कर सकता है, और धन्य है आपकी समर्पण की भावना को मुझे। मैं जहां निवास कर रहा हूं वहां के सरपंच उस गांव के आए, वो कहे हम भी वो देना चाहते हैं। लोग कहते भूकंप ग्रस्त लेना चाहते और तुम सब देने निकले हैं, धन्य है। बोले वहां भी कुछ बने, वहां भी वो गांव में भी वो मंदिर की बात करें, लेकिन उसका भी हम सोचेंगे क्या करें। लेकिन ऐसा वहां हम ठहरे थे तो वहां बने तो भी छोटा सा उसी जगह पर कुटिया रहे और हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बन जाए, लेकिन उसका भी सोचेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता, इतनी सेवाभावी संस्थाएं इस विस्तार में आकर अपना अपना योगदान, सबके सेवा कार्यों को मैं वंदन करता हूं, और प्रशासन को खास व्यास गादी से एक अपील के रूप में कहूंगा कि कोई भी राजनीति को बीच में लाए बिना अंतिम व्यक्ति तक जो निर्णय हुआ हो वो सहाय पहुंचे। इन लोगों को
जैसे वैज्ञानिकों का सलाह हो, जो जो भाई भूगोल शास्त्री के नियम, जो जहाँ जहाँ वो बनाए हो कि यहाँ बसाया जाए, यहाँ जैसा जैसा हो, उसमें मुझे बहुत पता नहीं, सब राजी खुशी हो जहाँ बसाना चाहे, लेकिन उसका निर्वासन और पुनर्वसवाट का कार्य भी शीघ्र होना चाहिए कि सबको कम से कम ये नई दिवाली आए ना, उससे पहले सबके घर में दीप माला प्रकट होनी चाहिए, दीप ज्योतियां प्रकट हो जानी चाहिए, तो इसमें शीघ्रता लाई जाए। और जो आपने मांग की है वो यदि मैंने जिसका ये कैसेट याद रखना सर, इस कैसेट को सुनना, कि इसमें कोई गड़बड़ कोई विरोध कोई इसमें हम जाना चाहते ही नहीं। हाँ, यदि सबको सम्मति है, सब राजी हैं, तो केवल मंदिर नहीं, मंदिर के साथ औषधियां भी दी जाए, आहार भी दिया जाए और आगम भी दिया जाए, आगम आहार और औषधि तीनों दी जाए, ऐसा कुछ अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। और यदि ऐसा हो पाया इस भूमि पर, तो इस जगह का स्थान मैं दूंगा वाल्मीकि आश्रम, इनके साथ साथ औषधि भी मिले, आहार आदर के साथ प्रभु प्रसाद मिलता रहे। है मेरा भोजन कराने में मेरी बहुत रुचि है भाई, हाँ भाई, इसमें हमको पागलपन है जो समझो समझो उसमें, लेकिन ये हमारा स्वभाव है कि भजन खुद करो, भोजन दूसरों को कराओ। और ये कोई हमारा नहीं, ये परंपरा है, इसका निर्वाह है परंपरा। कबीर ने क्या कहा, कबीरा कहे कमाल को दो बाता सीख लें, कर साहब की बंदगी और भूखे को कुछ दें। इसमें तृप्ति हो जाती है, देखो पैसा तुमको देगा तो बहुत तृप्ति नहीं होगी, अभी और मिले, लेकिन दुनिया को दो बात में तृप्ति हो जाती है, एक रोटी में और दूसरे मार में। कोई लाठी लेकर मार देगा, बस 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 हो गया तृप्त, बिल्कुल संतोष, और कोई रोटी खिलाए दो रोटी तीसरी रोटी, बस 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 पातर लेकर उठ गया, बस हद हो गए, दो में तृप्ति, और संसार को तृप्ति मिलनी चाहिए। मेरा राम कब प्रकट हुआ है, कब आया भगवान, जब संसार को तृप्ति मिल रही थी, संसार को शांति, भगवान का आगमन मध्यान्ह को हुआ। तो मदद तो जो जो इसमें योगदान करना चाहेंगे वो कर देंगे, और उसका संचालन यदि ये हुआ, अभी तो उस प्रथम नागरिक ने कह ही दिया इस गांव के कि हो जाएगा, तो बहुत शांति से सरलता से सब हो जाए, तो मैं जरूर यहाँ के कुछ भाई बहन भी, युवान लोग भी, और सीताराम परिवार का जो युवान लातूर आदि के, और कहीं के इसमें चुन कर उसको कर लूँगा कि भाई मदद और सेवा तो कई जगह से आती रहेगी, और इसको ठीक से बना लिया जाए, और हो सकता है तो ये आपने भेजा था, हाँ ठीक है, मुझे मिला ये, अच्छी बात है, नहीं प्रस्ताव अच्छा है जरूर, लेकिन मंदिर केवल नहीं, बस इनके साथ ये तीन वस्तु हो, जो जो लोक सेवा हो, प्रभु सेवा के साथ इनके परिवार की सेवा हो। पूजा ही तुम ही सहित परिवार, ये जो परिवार इनकी सेवा हो, और ये मंदिर बने तो कुछ बिलक ढंग का हो, शुद्ध बुद्ध, हाँ चिला चालू मंदिर नहीं, जान वो बिल्कुल कोई आदमी आए तो उसको इतनी शांति मिले, आराम मिले, वो जीवन के दुख को भूल जाए, तो अच्छा प्रस्ताव है, मेरी उसमें प्रसन्नता है, और अब संपर्क में रहेंगे आप सब, उसकी योजना बनाना, और फिर जरूर उसके लिए भगवान ने चाहा आगे बढ़ेंगे। तो और कुछ न कहते तिनके मन मंदिर में सीता और रघुनंदन दोनों विराजमान हो, ये पांचवा स्थान भगवान के निवास के लिए बताया गया। नौ दिन से तारीख बिलक बिलक कारण के कारण, और ये अच्छा हुआ कि 7 तारीख को 6 तारीख को कथा, वैसे बारिश इतनी गिर रही थी कि हो ही नहीं पाती थी, और जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, और 7 तारीख को भी हमको निर्णय करना पड़ा कि भी नहीं, कैसे लोग तो बैठ गए थे, वाह धन्य है,
यहाँ बैठ गए थे लोग, कीचड़ में बैठ गए थे कि कथा शुरू होने वाली, फिर भी हमने अक्षत पुष्प करके महाराज जी को कह दिया कि रामायण का पाठ आज से शुरू कर दो, का दिन गिना जाए, लेकिन कथा प्रवचन कल से, तो 8 से 16 का जो संकल्प हुआ भगवत कृपा से आज वो बहुत अच्छे ढंग से पूरा हो रहा है। और कथा की सफलता में तभी पूर्ण रूपेण मानूंगा। वैसे आयोजन बहुत सुंदर रहा, व्यवस्था बहुत सुंदर रही। मैं सभी वडी लोग, सभी युवकों, सभी माताएं, सभी भाई बहन, इस गांव के सभी, पड़ोस के गांव के सभी, इस विस्तार के सभी भाई बहन, सब छोटे से छोटे लेकर हनुमान जी तक, इन सब के प्रति मेरा बहुत ही भाव है। पर ये कोई सामान्य काम नहीं था, बड़ा विराट यज्ञ था। इतने लोगों को भोजन कराना और बहुत सुंदर ढंग से सब हुआ तो इसकी प्रसन्नता है। लेकिन बाप, मेरे भाई बहन, मैंने आपको कहा कि आप मेरा सीताराम परिवार हो, आप हमारे स्वजन हैं, तो जो तुम्हारे घर में क्षतियां हुई हैं उसको तो हम कैसे पूरी करें। बस ये एक हमारे पास सहज साध्य साधन था कि हम आपको, आपके साथ बैठकर बातें करके आपका मनोबल बढ़ाएं, आपका मन मजबूत करें। और सही फल ये है कि आप मजबूती से ऊपर आए, आप दीनहीनता छोड़ दें, आपको वास मिलना ही चाहिए, मिलेगा, योजनाएं सब बनाते ही हैं, लेकिन आपके हृदय में अब राम ऐसा बस जाए कि वो कभी हटे ना, और धरती की बेटी जानकी ऐसे बसी जाए कि ये धरती कभी ध्रुजे ना, तुम्हारा अवास ऐसा हो। पुनः मैंने पहले दिन कहा था ना कि ऐसी जानकी फिर प्रकट हो जाए। एक बार जानकी समा गई थी, धरती फाटी, और एक बार जनक ने उसको प्रकट किया था। तो अब इस विस्तार में भगवान करें कि एक स्थिरता, धीरता, वीरता और पवित्रता का कायम निवास हो जाए, पर हमारे हृदय से कभी राम न चला जाए, क्योंकि राम चला जाता है हृदय से तो फिर क्या बचता है। रोटी चली जाए तो बहुत चिंता नहीं, लेकिन जब राम चला जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो वो हो। और सभी भाई बहनों को, महाराष्ट्र के आप सब, और भूकंप में जिसको असर हुई इतने गांव में, इन सब भाई बहनों को, जब भी आप गुजरात आओ, सौराष्ट्र आओ, तो तुम महुआ आना, कभी भी इधर आओ तो हमारे गांव में चित्रकूट तलगा जड़ाना, और दावे के साथ आना कि बापू हम उस विस्तार से आए हैं, अधिकार के साथ हमारे पास आना और अपनी बातें हमको करना कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तुम्हारा हमारा जो संबंध हुआ है वो अस्थाई नहीं है, निवासी संबंध है। हाँ, हाँ, तो ऐसे तो कितने लोग हैं बहन जी, सब तो नहीं आप, लेकिन मेरी मेरी बहुत बहुत दुआएं बेटा सबके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। तो जब जब भी कहीं भी कथा हो, मिलने का समय हो, उसी समय आप मुझे मिल सकते हैं, वहीं आओ तब आदर के साथ आ सकते हैं। तो इस कथा मेरी समझ में भगवत कृपा से, हनुमान जी और गणेश जी की कृपा से, उनके संचालन में ठीक पूरी हो रही है, बड़े अच्छे ढंग से पूरी हो रही है। अंत में कल जानकी को दो पुत्र, ऐसे तीनों भाइयों को दो दो पुत्र हुए, ये कथा बता दी गई। फिर राम जी का अंतिम चरित्रों की कुछ कथाएं हैं, फिर काकभुसुंडी जी की और गरुड़ जी की कथा है, और अंत में काकभुसुंडी जी कथा को विराम देते हैं। गरुड़ जी सदगुरु के चरण में प्रणाम करके वैकुंठ की ओर गति करते हैं। याज्ञवल्क बाबा ने कथा पूरी की कि नहीं, वो तो प्रयाग में चलती है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों की धारा, तो जब तक गंगा बहती रहेगी तब तक याज्ञवल्क की कथा बहती रहेगी। तुलसीदास जी
भगवान शंकर भवानी के सामने कैलाश के ऊपर कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि देवी अब कुछ सुनना है। भवानी ने कहा मैं कृतकृत्य हो गई और अब हमारे गोस्वामी जी भी अपनी दीनता के पीठ से कथा को विराम देने के लिए बोले, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। भगवान की ही कृपा से भगवान का गुणगान हमने किया, इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, राम को सुनो, राम को गाओ। देखो भाई, तुम्हारे पास धंधा हो ना तो तुम धंधे से समय काटते हो, तुम्हारे पास प्रवृत्ति, तुमको समय तो काटना ही पड़ता है ना, कोई ना कोई ढंग से, कोई काम नहीं तो लोग ताश के पत्ते, ताश के खेल खेल कर काटते हैं, अब वैसे क्लबों में जाकर। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि समय काटना है तो दो चीजों से काटो, एक हरि नाम से और दूसरा हरि कथा से। इसके समान समय का कोई कोई सार्थकता नहीं। हरि यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरे गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम को सुनो, राम को गाओ, राम को भजो। राम का नाम पतित पावन है, वैश्विक है, पूरे संसार के लिए राम है। न कोई खंड का भेद होता है, न देश का भेद होता है, न वर्ण का भेद होता है, न जाति का भेद होता है, न भाषा का भेद होता है, न प्रांत का भेद होता है। राम सभी के हैं, अंतरात्मा में बसा ये परम तत्व श्री सीताराम जी सबके हैं, और उनका नाम पतित पावन है, बड़े बड़े पापियों को भी तार देता है। तुलसीदास जी राम कथा को विराम देते हुए बोले कि ऐसे राम को हे षठ मन तू भज। मेरा गाया है रामचरितमानस से, गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ी चौपाइयां जो हृदयस्थ करेगा वो कृतकृत्य हो जाएगा। रघुवंश भूषण का ये चरित्र गाएंगे सुनेंगे वो कलयुग के मैल से मुक्त होकर राम धाम की गति करें और गति करें। तुलसी के राम सुंदर है, सुजान है, करुणा निधान है, अनाथ के पर प्रीति करने वाले हैं। ऐसे राम के समान मैं किसको कहूं, जिसकी कुछ कृपा हो गई तो मेरे जैसा मतिमंद आज परम विश्राम का अनुभव कर रहा है। बाबा बोले लवलेश दे मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मरण संभव कामि नारि प्यारि जिमि लोभि प्रिय जिमिना तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनुष्यं प्राप्ये तु रामायण मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहम् सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या भगान्ते ते संसार पतंग घोर किरणे
दहयन्ति नो मानवाः इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो गोस्वामी जी ने विराम चरित मानस को विराम दे दिया। मानस के चारों आचार्यों ने अपने वक्तव्य को विराम दिया और आज 9 दिन से इस भूमि पर बैठकर मेरी व्यास गादी जो राम कथा गा रही थी, आप सुन रहे थे, इसको किलारी की ये व्यासपीठ भी विराम देने की ओर जा रही है। उस समय 9 दिन तक जो कहना था बहुत कहा है। आम में स्वयं आनंद नहीं है, आम किसी को आनंद दे नहीं सकता। आम एक निमित्त बनता है व्यक्ति के आनंद को खोलने का। व्यास गादी निमित्त बनी है आपके आनंद को प्रकट करने के। बाकी आनंद तुम्हारा है, जो सूत्र तुम पकड़ लोगे वो तुम्हारा है। मैं हर जगह कहा करता हूं अक्सर कि आज मैं मेरी रामायण की पोथी तो बांध रहा हूं, तुम अपने जीवन की पोथी खोलना। जीवन की पोथी में कोई कांड बिगड़ गया हो तो उसको सुधार लेना। और धीरजवान बनना, वीरता लाना और पवित्रता लाना, जो साधना की भूमि है। इस कथा तो तर्पण के लिए है थी, और मैंने तो पूरी कथा राजस्थान से महाराष्ट्र में भेज दी थी फोन कर, खड़गदा की कथा कि इन आत्माओं की मुक्ति के लिए। इसलिए इन आत्माओं की मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है मेरी श्रद्धा। और फिर आपने सुना गाया और इतना पुण्य एकत्रित हुआ, फिर तो इस तर्पण कथा का जो पुण्य एकत्रित हुआ है सबका, श्रवण का, साथ का, जितनी जितनी सेवाएं की, इनसे जो पुण्य अर्जित हुआ हो वो सभी पुण्य एकत्रित करके हम सब आप सब मिलकर के इस तर्पण के लिए एकत्रित करके तर्पण कर रहे हैं। और धरती की बेटी जानकी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पहली कथा लवकुश को दी है, अब ये जानकी को कि हे माँ, ये तेरे सब बालक है, तू धरती की बेटी है, तू धरती की गोद में पली है, तो ये सब तेरे बालक तेरे गोद में है, उसका ख्याल करना, उसको समझ, उसको वात्सल्य से भर देना, उसको बहुत बड़ा बल देना कि उसको कभी ऐसा न लगे कि हम अकेले हैं। इसलिए जानकी के चरणों में प्रार्थना के रूप में इस समर्पित किया जा रहा है। तीन बात कहनी है मुझे। हे दिवंगत स्वजनों, आपके तर्पण के लिए कथा थी, इतना बड़ा यज्ञ तुम्हारे लिए हुआ, तुम्हारा तर्पण, और हे बचे रहे मेरे स्वजन, आपके मनोबल के लिए, आपकी पुनः धीरता के लिए कथा है। और हे मेरे सभी सीताराम परिवार के छोटे बड़े सभी भाई बहन, तुम लोगों ने मेरे एक आदेश पर जो सेवा यज्ञ शुरू किया, तुम सबको साधुवाद देने के लिए एक कथा, आप सबको मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता, बहुत बहुत दुआएं। किलारी बगल का गांव और इस विस्तार में जितने जितने गांव को जो ये सामना करना पड़ रहा है, पड़ा है, इन सब को मैं याद करके, और ये आपके साथ और हम और आप इतने ही नहीं है आज यहाँ, देखो पूरे संसार में जहाँ जहाँ भगवत कृपा से राम कथा गई है,
वहां सबकी निगाहें किनारे की ओर है आज कि वहां कथा हो रही है, वहां कथा हो रही है, वहां मुझ पर टेलीफोन आते हैं, बापू कौन प्रसंग लिया है, वहां क्या हो रहा है, कितने भोजन कर रहे हैं क्या। इसलिए आज इस कथा के साथ संसार में रहे सीताराम परिवार के सभी भाई बहनों की आंखें, मन और कान लगे हुए हैं। तो तर्पण के लिए, आपके मन का दृढ़ीकरण के लिए और जिन्होंने सेवा की है उनको मेरी प्रसन्नता और दुआएं देता हुआ मैं इस कथा को विराम देने जा रहा हूं। खुश रहो बाप, जो परिस्थिति आई है उसको धीरता से प्रभु प्रसाद मान लेना। और मैंने आपको ब्राह्मण कह दिया है, बड़ा साहस करके बोल रहा हूँ कभी कभी, क्योंकि तुम्हारा पुनर्जीवन होने हुआ, दूसरा जीवन, इसलिए एक द्विजत्व प्राप्त हुआ है। तो आप धीर वीर और पवित्र बने रहियो। पूरे इस विस्तार के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए मेरी बहुत बहुत प्रभु प्रार्थना, शुभकामना, हृदय की भावना। और अभी यहाँ सबका ऋण स्वीकार कहा गया है और मुझे तो याद भी नहीं मैं किसका कहूँ किसको। मैंने कई बार कह दिया शुरू में भी कि सभी भाई बहन एक कथा सीताराम परिवार की ओर से, सीताराम परिवार की और सीताराम परिवार के लिए जो थी, इसमें सभी लोग आ जाएं, इन सब को मैं पुनः एक बार साधुवाद देता हूं। भगवान शरीर को, शरीर में रहे मन की भावनाओं को और शरीर के परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन को कभी कभी ऐसे प्रभु कार्य के लिए निमित्त बना देता है। आप सब इसमें निमित्त बन पाए इसलिए भाग्यवान है, जस भाजन है, यश के पात्र। बस और कुछ नहीं कहना है। तो दिवंगत स्वजनों को याद करके, आप सबको देख करके हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन हमारी प्रभु प्रार्थना, मैं रोज 3 आहुतियां डालता था अग्नि में, प्रतिदिन 1 आहुति तर्पण के लिए, 1 आहुति तुम लोग जो हैं उनके लिए और 3री आहुति जिन जिन ने सेवा दी है उनकी शांति और विश्राम के लिए। बस मेरी व्यास गादी बहुत राजी होकर जा रही है, बहुत प्रसन्न होकर। आप सबों ने बहुत सुंदर यज्ञ कार्य किया है। बस विशेष कुछ नहीं कहते हुए एक ही आशीर्वाद, वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके वंश में हरि भजन की वृद्धि हो, वृद्धि हो। बस ये 9 दिवसीय अनुष्ठान, भागवत जी में लिखा है हरये नम बोलो तो सब चूके समाप्त हो जाए। इसलिए आइए हम और आप सब 3 बार एक मंत्र का उच्चारण करें ताकि इस बड़े यज्ञ में कोई चूक रह गई हो तो उसका वो हो जाए। पहले हम बोलेंगे फिर आप सब बोलिएगा, हरये नमः, हरये नमः, हरये दोनों पंक्तियां समर्पित कर दी जाए गा करके।
जिसकी कृपा से ऐसे महान यज्ञ सफल होता है वो हनुमान जी को गणेश जी को प्रणाम करके कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी को हम कहे कि बाबा कथा विराम ले रही है। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण रघुबीर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संत।